So hello and welcome back to another video of Tarun Chaudhary Vlogs. Hope you guys are doing good at your home. और भाई ये देखो, कमेंट में बताओ क्या है ये, सनराइज है या सनसेट है। तो भाई आज ना बात करने जा रहा हूँ मैं जावा के बारे में। जावा को ना 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ओनरशिप रिव्यू बना दिया जाए कि किस हिसाब से चलाने में और क्या क्या अभी तक एक्सपीरियंसेस रहे इसके साथ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो भाई ये जावा ली थी मैंने अराउंड न्यू ईयर पे 2022 में, और भाई आज ये चल चुकी है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा। फर्स्ट सर्विस भी इसकी हो चुकी है, सेकंड होती है 5000 या फिर 6 मंथ्स में। तो अब लगा लो 4 महीने तो हो गए मेरे हिसाब से, 4 महीने में 1200 किलोमीटर ही चली है। देखता हूँ अभी कितनी चल, एक सेकेंड यहाँ से करते हैं चाबी ऑन। ये चल चुकी है भाई 1621, मैं सोच रहा था 1200 ही चली है, तो 1621 चल चुकी है। अब भाई अगर आपको नॉर्मली बताऊँ ना, मैम आज तक मुझे ऐसी तो कोई इसमें मेजर इशू आया नहीं कि कोई ब्रेकडाउन हो गया ये ना हो, क्योंकि ऐसे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये नई, बिल्कुल नई बाइक है। थोड़ी बहुत मैं आपको कमियों से स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको मैं इसकी खूबियाँ बताऊँगा, ठीक है। फर्स्ट इसके नेगेटिव्स बताता हूँ मैं। सबसे पहला जो नेगेटिव लगा मुझे वो है इसकी भाई ग्राउंड क्लियरेंस। ये ग्राउंड क्लियरेंस ना इसकी काफ़ी लो है, थोड़े बहुत जो ब्रेकर्स वगैरह होते हैं ना उन पे से आराम से निकालनी होती है, नहीं तो नीचे से हटती है। वैसे तो इसमें नीचे वो लग रखा है गार्ड इंजन का, अगर आपको देखो दिख रहा हो तो ये लग रहा, इसकी वजह से इंजन वगैरह प्रोटेक्ट हो जाता है, नीचे कोई इशू आता नहीं है। पर ऐसा वही है ना, थोड़ा बहुत लगता है तो बुरा तो लगता ही है, और तो भाई मुझे इसमें मेजर इशू कोई फील नहीं हुआ। अब इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ मैं। अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें ना, तो भाई सबसे पहली चीज़ ये हेड टर्नर है। जो भी देखता है ना इसे, सबसे पहले तो मेरे से पूछता है भाई कितने की है, क्या है, कौन सी है, ये रॉयल इनफील्ड तो है नहीं, ये वो सोचता है रॉयल इनफील्ड है, फिर मैं बताता हूँ भाई जावा है, ये दूसरी ब्रांड है, ये है वो है। वैसे जावा है तो सही यार, फेमस इतनी पुरानी, पर पता नहीं लोगों को अभी तक कम पता है जावा के बारे में, तो फिर पूछते हैं कौन सी है क्या है। तो हेड टर्नर तो है भाई ये, ठीक है। बाकी अगर मैं और बात करूँ इसके बारे में, तो इसका एक जो क्रोम लुक है ना, वो उसकी क्रोम लुक और प्लस इसका जो कलर है वो उसको और बेहतरीन बना देता है। बाकी भाई अगर बात करें ना इसकी सस्पेंशन की, वो भी काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन देखने को मिल जाता है इसमें, कोई इशू नहीं आया। टायर्स का भी मुझे आज तक कोई इशू नहीं आया कि टायर्स वगैरह पंचर हुए हैं या कुछ हुए, उनकी भी ड्यूरेबिलिटी बढ़िया है। बाकी इसमें जो रेडिएटर है ना नीचे, मैं रेडिएटर का किस्सा बताता हूँ आपको। पहले क्या होता था, जब मैंने नई नई ली थी तो ये रेडिएटर मतलब हर टाइम ऑन रहता था, जैसे मैं चाबी बंद कर देता था फिर भी चलता रहता था, और जब तक कूलिंग नहीं हो जाती थी 2 मिनट तक, उसके बाद बंद होता था। अब फिर क्या हुआ, जब मैं सर्विस पे लेके गया तो उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा था, एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का तरीका रहता है, उसके थ्रू उन्होंने करा था। उससे क्या हुआ, आप रेडिएटर जैसी चाबी बंद कर दोगे आप, वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो भाई ये उन्होंने करा था, ठीक है, अब रेडिएटर बंद हो जाता है, नहीं तो 2-3 मिनट तक चलता रहता था, ये भी ठीक है। बाकी भाई ना इसमें बैटरी में कोई इशू आया कि बैटरी वगैरह, आज तक ऐसा कोई इशू मेजर इशू तो आया नहीं, ठीक है। बस एक जो मैंने आपको कमी बताई थी वो यही है ग्राउंड क्लियरेंस की, कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी लो है, ठीक है। थोड़े आप सिनेमैटिक्स देखो इसके। बाकी बाकी मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो इसमें ना ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है आपको, जो इसकी जो ब्रेकिंग है वो उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। तो अगर इसमें ड्यूअल चैनल ABS नहीं होता तो ब्रेकिंग इसकी और ज़्यादा टफ हो जाती, तो ड्यूअल चैनल ABS है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट द जावा क्लासिक 300cc, कि क्या इसकी ओनरशिप रिव्यू है आफ्टर 1000 किलोमीटर। बाकी 6 महीने बाद 6 महीने होने वाले हैं, 6000 किलोमीटर तो नहीं हो पाएंगे इसके, 6 महीने हो जाएंगे पहले, दिखाता हूँ मैं आपको इसकी सेकंड सर्विस भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी हम अपनी लेटेस्ट वीडियोज डालें तो सबसे पहले अपडेट्स पहुंचे आपके पास। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।